यातायात पुलिस ने अतिक्रमण कारियों पर कसा शिकंजा, टेकरी बाजार में चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। शिवपुरी के टेकरी बाजार में आज यातायात पुलिस ने सख्ती दिखाई है। यहां यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव टेकरी बाजार पहुंचे, जहां सड़क पर दुकान का सामान रखकर बेचने वाले दुकानदारों पर चालानी कार्यवाही की और इसी के साथ आगामी समय में अगर दुकान का सामान रोड पर रखकर ना बेचने की हिदायत दी और आगामी समय में भी दुकानदार ऐसा करते पाए गए तो उनके सामान को जब्त किया जाएगा। आपको बता दें कि टेकरी बाजार पहुंचे यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव ने बताया कि शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। दुकानदार के द्वारा सड़कों पर दुकान का सामान बेचा जाता है, जिससे कि सड़कों पर जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। इसी के चलते एक बार फिर अतिक्रमण हटाने के अभियान की शुरुआत की गई है। नहीं, निकलते रहते हैं हम लोग, शुरू से निकलते हैं और आज कोर्ट रोड पर जो ठेले वालों का इश्यूज था कुछ उनको व्यवस्थित कराया गया है। सब्जी मंडी में जाके देखा तो जो जिनकी दुकानें हैं उन्होंने दुकान होने के बावजूद भी सड़क पर अपना नीचे सामान रखा, तो उनको भी उनके सब्जी मंडी के जो अध्यक्ष है इरशाद को उसको बुलवा के उनको समझाइश दी है। कल से सब्जी मंडी में जो भी व्यवस्थित मिलेगी आप लोगों को, इसके बाद अपना सराफा टेकरी उसमें व्यवस्था देखी। कुछ दुकानदारों ने सड़क पर सामान रख लिया था, होर्डिंग रख लिए थे, अपना प्रगति बाज़ार में भी जिनने अपना सड़क पर सामान रखा था उनको हिदायत दी है, उनको समझाइश दी है कि आगे से आप लोग अपना सामान अपने दुकान में रखेंगे। अगर इसके बावजूद भी आज जो कार्रवाई के बावजूद नहीं मानेंगे तो हम चालानी कार्रवाई करेंगे और हो सकता है 34 पुलिस एक्ट में भी इनको न्यायालय भेजेंगे। ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी? बिल्कुल, अभी कंटिन्यू जारी रहेगी जब तक व्यवस्थित बन जाता है, तो जैसे शिकायत मिलेगी उस पर भी कार्रवाई करेंगे। चौक पर भी सर बहुत ज़्यादा चालान किए जा रहे हैं? नहीं, चालान किए नहीं जा रहे, लोग एक तो मास्क नहीं लगा रहे हैं और उसके बाद तीन सवारी बिना नंबर की गाड़ियाँ लोग चला रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना क्राइम होता है जो नंबर नहीं होते गाड़ियों पे। इस चक्कर में सख्त निर्देश हैं कि बिना नंबर की गाड़ियाँ तीन सवारी उड़दंग कर रहे हैं उन लोगों पर और बिना मास्क कार्रवाई की जा रही है।